हेलो गाइस, वेलकम टू जे ऑटोमोबाइल ब्लॉग्स और मैं हूँ चितेश। सो गाइस, कैप्शन पढ़ के आप लोग समझ गए होंगे आज के वीडियो का टॉपिक क्या है। तो भाई आज हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी के अंदर एग्जॉस्ट इंस्टॉल करवाने। भाई अपने पास बलिनो डीजल है, उसके अंदर हम जा रहे हैं एग्जॉस्ट इंस्टॉल करवाने। तो भाई ये चीज़ बहुत टाइम पहले से सोच रखी थी, बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे कि हम इसे करवाएंगे, बट भाई लॉकडाउन के चक्कर में सब कुछ बंद था तो अब खुल नहीं पाया था। बट अब फाइनली दिल्ली के अंदर सारी शॉप्स वगैरह खोल दी है, तो हम आज जा रहे हैं। अपॉइंटमेंट हमने बुक कर ली है, जा रहे हैं फटाफट एग्जॉस्ट इंस्टॉल करवाने। सारे प्रिकॉशंस वगैरह ले चुके हैं, मास्क ले लिया हमने, सैनिटाइजर ले लिया और सारे प्रिकॉशंस साथ जा रहे हैं। अगर आप भी गाइस बाहर जा रहे हो किसी काम से, आपको कुछ भी काम है, शॉपिंग करने जा रहे हो, कुछ भी करने जा रहे हो आप, तो भाई अपना मास्क वगैरह बिल्कुल लगा के चलना, अपना सैनिटाइजर वगैरह लेके चलना, क्योंकि भाई आप लोगों को पता है कोरोना अभी खत्म नहीं हो रहा, तो हम लोगों को अपनी सेफ्टी खुद रखनी है हाथ में। काम तो सारे ही करने पड़ेंगे भाई, काम किसी के नहीं रुकते, तो अपनी सेफ्टी लेके चलना। तो चलते हैं एक बार फटाफट शॉप पे और आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा, जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी एग्जॉस्ट से रिलेटेड सारे दूंगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दबाइए सब्सक्राइब बटन को और साथ में इस बेल आइकन को भी, ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। सो गाइस, अब हम शॉप पे पहुंच चुके हैं अपने एग्जॉस्ट लगवाने के लिए। तो अपने साथ भाई गुरजोत भाई, अब जो पूरी हमारी सारी चीज़ बताएंगे। तो गुरजोत भाई, सबसे पहले एक बात बताओ, कुछ लोग सोचते हैं कि हम डीजल में वेल्वेट्रॉनिक भी लगवा सकते हैं, तो वो कामयाब है या नहीं है? बिल्कुल कामयाब नहीं है, वेस्ट ऑफ मनी है वो। मतलब साउंड बिल्कुल भी नहीं आएगी, मतलब आएगी लेकिन जब आप ऑफ और ऑन करोगे आपको इतना फर्क पता नहीं चलेगा, मतलब ना के बराबर ही है। ना के बराबर। तो गाइज, आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि यार हम इसमें डीजल वाली गाड़ी के अंदर में वेल्वेट्रॉनिक एग्जॉस्ट लगा लें, तो भाई मत लगवाना, क्योंकि वो सिर्फ अपना पेट्रोल और सीएनजी वाली गाड़ी में कामयाब है। तो वेल्वेट्रॉनिक एग्जॉस्ट में कितने परसेंट आवाज़ बढ़ जाती है? मतलब अगर हम सिर्फ रेयर मफलर चेंज करें तो 50% तो बढ़ जाती है पेट्रोल में, और स्ट्रेट पाइप वगैरह कर दे तो बहुत ही ज़्यादा आ जाएगी, काफ़ी। तो भाई डीजल में अपने पास फिर ऑप्शन क्या क्या बचते हैं? डीजल में दो ऑप्शन होंगे, या तो आप स्ट्रेट पाइप करा लो, या फिर स्ट्रेट पाइप और पीछे जो आपका रेयर मफलर डिजिटल है वहाँ हमारा मफलर लग जाएगा। तो इसमें डिफरेंस क्या होता है, लोगों को वो भी बता दो। इसमें ये समझ लो कि स्ट्रेट पाइप में मैक्सिमम आउटपुट आएगा साउंड का, और मफलर में थोड़ा सा आउटपुट कम रहता है 10%, पर जो परफॉर्मेंस होगी वो बढ़ेगी, और परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी। तो गाइस, अगर आपको साउंड चाहिए तो आप बिल्कुल स्ट्रेट पाइप करवा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि यार मुझे थोड़ी परफॉर्मेंस और साउंड दोनों चीज़ें चाहिए, तो आप उसमें मफलर लगवा सकते हो। तो भाई मफलर कौन सी क्वालिटी का होता है, एसएस का अपना? हाँ, स्टेनलेस स्टील। और जो पाइप होती है, डिपेंड है, अगर किसी का बजट लो है तो माइल्ड स्टील का लेना है। अच्छा, और पाइप वैसे हम एमएस का यूज़ करते हैं? हाँ, एमएस और स्टेनलेस स्टील दोनों ही है, जैसे जिसकी प्रेफरेंस है। तो अपनी गाड़ी में अब हम क्या कर रहे हैं, हम आपका पूरा नीचे से नेटवर्क सिस्टम कर देंगे, स्ट्रेट पाइप करके आपको आवाज़ सुना देंगे। अगर आपको पसंद आती है आप चला के ट्राई कर लो, परफॉर्मेंस वगैरह बढ़ती है। तो गाइज, अभी हम दोनों ऑप्शन ट्राई करेंगे, हम पहले स्ट्रेट पाइप भी करवाएंगे, स्ट्रेट पाइप में भी साउंड सुनेंगे, और उसके बाद हम मफलर भी लगवाएंगे। तो जो ऑप्शन हमें बेस्ट लगेगा वो बताएंगे। तो गाइज, जो इसका बीच वाला पार्ट है, यहाँ पे एक इसकी पूरी पाइपिंग होती है, वो वहाँ से कट होकर पूरा एक सिंगल स्ट्रेट पाइप लगेगा। तो जैसे जैसे काम होगा आगे मैं आपको बताता रहूँगा, और दोनों साउंड मैं आपको सुनाऊँगा। सो गाइज, जो अपना स्टॉक वाला मफलर था, जो स्टॉक वाला एग्जॉस्ट सिस्टम था, वो पूरा बाहर आ चुका है। अब आप पूरा देख लो, जो अपना बिल्कुल एग्जिस्टिंग इसके अंदर एग्जॉस्ट सिस्टम लगा था वो सारा बाहर आ चुका है। ये अपना फर्स्ट मफलर, और सेकंड यहाँ पे दो मफलर इसके अंदर होते हैं। तो अगर गुरजोत पाजी से पूछते हैं नेक्स्ट काम क्या है, पाजी अब नेक्स्ट काम क्या होगा अपना इसमें? इसके अंदर होगा कि सबसे पहले तो आपकी फ्लेंज बनेगी है, हम नेटवर्क सिस्टम कर रहे हैं, और ये यहाँ से हम पूरा पाइप लेके आएंगे 2 इंचेस का, ये डिलीट होगा। अच्छा, ये हमारा मफलर है, रिमूव कर देंगे। हाँ जी, ये पूरा स्ट्रेट पाइप होगा, यहाँ से पूरी बेंडिंग ऐसी एज इट इज होगी, वो दिखाएंगे अभी हम आपको। और ये होता है रेयर मफलर, ये भी हमने डिलीट करा। अब आप में जो मैंने आपको दो ऑप्शंस बताए थे, उसमें ये होता है कि यहाँ आप हमारा कस्टमाइज मफलर भी लगा सकते हो, लेकिन अभी हम आपका स्ट्रेट पाइप करेंगे क्योंकि वो मैक्स आउटपुट देगा। सो गाइज, ये जैसे हम बता रहे थे आपको स्ट्रेट पाइप, आप क्या पूरा स्ट्रेट पाइप करवा सकते हो, वरना यहाँ पे भी आप मफलर लगवा सकते हो। तो दोनों के हम साउंड सुनेंगे, जो फाइनल होगा वो आपको बता ही देंगे। और भाई जो ये वाली टिप होती है, ये सिर्फ हमारी लुक के लिए होती है, सिर्फ लुक के लिए। तो अगर हम मतलब अभी जब एग्जॉस्ट सिस्टम लगेगा इसके अंदर, हम कोई भी टिप लगवा सकते हैं? तो होता है कि अगर डबल टिप होगी तो वो थोड़ी सी आवाज़ जो होती है वो बढ़ाएगी, आवाज़ में फ़र्क आता है। तो गाइज़, अभी आपको मैं टिप भी दिखा देता हूँ हम कौन से फाइनल कर रहे हैं। तो जब ये पूरा पाइप जब नया बन जाएगा, पूरा एज इट इज़ का जैसे ये बेंड है वैसे ही बनेगा, कोई कट वगैरह नहीं लगेगा, एज इट इज़ सिंगल पाइप में आएगा। तो जब भी होगा फिर मैं आपको आगे ये दिखाता हूँ। सो गाइज़, हम अपने टिप वाले सेक्शन पे आ चुके हैं, जो हम टिप अभी देख रहे हैं। तो गुरजोत पाजी, हमारी गाड़ी में कोई सी भी लग जाएगी, या कुछ स्पेशल भी होता है कि किसी में कुछ लगेगा स्पेशली? ऊपर है, आपको ओवल चाहिए, ब्लैक में चाहिए, राउंड चाहिए, या एक्रोबॉविक चाहिए? तो गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ एक बारी, आप ये देख लो, जैसे ये अपनी पूरी क्रोम में है, इसे ओवल शेप कहते हैं, इस पे भी कोई रेस्पॉन्स नहीं होगा, ये ओवल शेप है, इसमें ओवल शेप में हमारे पास एक और ऑप्शन होता है, ये वाला, ये ब्लैक में आ गया, इसे डबल होती है, ये क्रोम में मिल जाएगी। सो गाइस, आप ये भी देख सकते हो टिप। और यहाँ पर अगर आपको डुअल कलर में देखनी है तो ये भी ऑप्शन अवेलेबल है, जो हमने अपनी बलिनो में लगवा रखी थी अभी स्टॉक लुक के लिए, डिजाइन आया था एक एरी। तो गाइस, जो हमने टिप डिसाइड करी है वो बहुत ही शानदार करी है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो यहाँ पे आप सारे देख लो, जैसा आपका मन करे आप वो भी लगवा सकते हो। तो बाजी वो भी दिखा दो जो हमने फाइनल करी है।
तो गाइस जो ऊपर हम ऊपर वाले सेक्शन में आ गए हैं, ये सारे सुपर कार्स के एग्जॉस्ट हैं। ये हाँ नॉर्मल कार के लिए, सुपर कार्स के जैसे ये हैं, ये बोर्डला का टैप के लिए है। तो गाइस रेमर्स वगैरह बोर्डला वगैरह सारे एग्जॉस्ट पड़े हैं। तो हमने जो टिप फाइनल करी है गाइस, हमने ये फाइनल करी है एक्रोपोविक की, डबल है पूरी ये, और इसकी फिटिंग काफी बढ़िया आएगी। तो पाजी इससे साउंड में थोड़ा बहुत फर्क आएगा? हाँ जी इसमें फर्क आएगा। तो भाई आप पूरे देख लो ये वाले टिप फाइनल करी है, ज्यादा फर्क नहीं बोल सकते, मतलब कि 5% आप मान लो, पर ये कि लुक इससे काफी अच्छा है। और गाइस ये अपने सिंगल में अगर आप चाहोगे, अगर कोई डबल नहीं लगवाना, ये मैट भी होगा इसमें, ये मैट फिनिश है, और सिंगल में ये क्रोम फिनिश है हमारे पास। तो गाइस ये दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, तो टिप जैसा आपका मन करे आप उस हिसाब से टिप लगा सकते हो, सबकी अपनी कॉस्टिंग अलग अलग आती है। और हमने जो फाइनल करी है गाइस यही करी है, और जब ये लगेगी तो लुक मैं आपको दिखाई दूंगा। और हम थोड़ी से स्लांट में लगाएंगे ना, हाँ ये टेपर में आएगी। टेपर में आएगी ताकि लुक और अच्छी आए। और जैसे ये थे बाकी वॉल पेट्रोनिक पेट्रोल वगैरह के लिए, तो ये वो है। तो गाइस स्टार्टिंग में जैसे मैंने आपको बताया था वेल्वेट्रॉनिक के बारे में, तो वेल्वेट्रॉनिक एग्जॉस्ट में क्या होता है, आप चाहो तो अपने से ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो। जब आपका मन करे आप साउंड लाउड सुनना चाहते हो तो ऑन कर दो, और जब मन करे आप इसे ऑफ कर दो। हाँ जी। तो ये सारा सिस्टम हो जाता है। हाँ जी। कि अपना गाइस रेमस ब्रांड का है, आप चाहो तो ये वाला भी डलवा सकते हो। हाँ जी। तो टिप मैंने आप लोगों को दिखा दिया, अब चलते हैं गाड़ी की तरफ, और जब पाइप बन जाएगा फिर मैं आपको दिखाऊंगा। तो गाइस अपनी गाड़ी में अभी काम हो रहा है, तो यहाँ पे अभी एक इसुज़ू रेडी हुई है, तो मैं आपको इसकी भी साउंड सुना देता हूँ। तो एक बार देख लो आप, 2.5 टीटी इंटरकूलर डीजल वेरिएंट में आती है ये। तो भाई एक बार रेव करना, ऐसी अपनी में भी ऐसी आएगी ना। हाँ। तो ये मैंने सुना दिया आपको, और अपनी गाड़ी में भी हो रहा है काम, तो मैं भी एक्साइटेड हूँ सुनने के लिए। तो एक बार जैसे जैसे आगे सब होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस जो अपना स्ट्रेट पाइप था वो बिल्कुल रेडी हो चुका है, आप देखो जहाँ पे भी अपना पूरा मफलर था वो सारा डिलीट होकर पूरा स्ट्रेट पाइप हो चुका है। और गाइस अपनी MS क्वालिटी में माइल्ड स्टील है, और बिल्कुल सेम शेप में, जैसे कि आप ओरिजिनल देख रहे हो यहाँ पे, उसका पूरा ये हैंगिंग वाला हब है सेम, वहाँ पे वही हैंगिंग वाला हब है। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट पाइप हो गया, अब इस बस इंस्टॉल होकर आपको साउंड सुनाऊंगा कि स्ट्रेट पाइप में कैसे आ रही है। तो जैसे कि पीछे यहाँ पे मफलर ऐड हो जाएगा, उसके साउंड सुनाऊंगा, तो देखते हैं कैसे क्या होता है। और इसके ऊपर गाइस बिल्कुल पूरा पेंट कर दिया है, ताकि ये प्रॉपर सब कुछ सेट रहे और रस्ट वगैरह ना लगे। तो ये गाइस आपको जो सिल्वर सिल्वर दिख रहा है पूरा पेंट है। तो एक बार ये इंस्टॉल हो, फिर आगे का प्रोसेस देखते हैं। A few moments later. So guys, अपना ये स्ट्रेट पाइप बिल्कुल परफेक्टली इंस्टॉल हो चुका है, तो एक बार मैं आपको गाड़ी स्टार्ट करके साउंड सुना देता हूँ। अभी आप स्टार्टिंग के साउंड सुनना। तो गाइस ये अपना भी स्ट्रेट पाइप है, रेप करना भाई। तो गाइस ये थी अपनी स्ट्रेट पाइप, और एक बार मैं आपको मफलर भी सुना देता हूँ सिस्ट रख के, आपको एक आउटपुट का अंदाज़ा हो जाएगा। रेप करना भाई। ये अपनी मफलर की साउंड है, तो आपको देखा होगा मफलर में थोड़ी साउंड कम हो गई है, तो अब हम स्ट्रेट पाइप भी फाइनल कर रहे हैं। अंकल जी एक बार हटाना मफलर भाई, रेप करना। तो भाई ये अपना स्ट्रेट पाइप है, और हम यही फाइनल कर रहे हैं। तो एक बार देखते हैं फटाफट इंस्टॉलेशन हो जाए, अपनी पूरी टिप वगैरह लग जाए, फिर हम फाइनल करके आपको पूरी आउटपुट सुनाता हूँ। सो गाइज इसकी इंस्टॉलेशन पूरी कंप्लीट हो चुकी है, और हमारे आप टिप के लुक देख लो जो हमने इंस्टॉल करवाई है अपने एक्रोपोविक की। तो गाइज ये वाली टिप काफ़ी कॉस्टली टिप है, और मुझे ये वाली पसंद आई थी, तो मैंने ये वाली फाइनल करी है। आप चाहो तो और भी कोई भी टिप लगवा सकते हो, ये बेसिकली सिर्फ लुक के लिए होती है, इससे साउंड से ज़्यादा फर्क नहीं आता, ओनली फॉर लुक। जैसे मैंने आपको और लुक दिखाई वो चीपर है इससे, बट ये वाली काफ़ी कॉस्टली है। तो मैं अगर आपको साउंड ऑन करके सुना दो भाई, कर दो गाड़ी स्टार्ट। इंस्टॉलेशन हुई है, तो अभी जब थोड़े टाइम बाद ये और हीट हो जाएगी तो और ज़्यादा साउंड बढ़ेगी। तो मैं घर जाऊंगा, घर जाके आपको इसके और मूविंग शॉट्स दिखाऊंगा, बट अभी आप एक बार एक रफ आइडिया ले लो, और पूरी आप फिटिंग वगैरह देख लो और टिप वगैरह के लिए देख लो। तो अब चलते हैं फटाफट एक बारी, और आप बात बात करते हैं, और आपको इसके पूरे मैं सारे शॉट्स दिखाता हूँ। सो गाइस हम एग्जॉस्ट लगवा के घर की साइड आ चुके हैं, और एक बार मैं आपको फाइनल लुक और दिखा देता हूँ एग्जॉस्ट वगैरह की। तो भाई कुछ लोग सोच रहे होंगे, कुछ लोगों के मन में ये भी होगा कि जैसे हमने इस साइड टिप लगवाई है तो हम इस साइड भी टिप लगवा सकते हैं,
तो भाई बलिनो में ऐसा पॉसिबल नहीं है, कुछ कुछ कार है जिसके अंदर आप डबल साइड लगवा सकते हो। बलिनो में कैसा पॉसिबल है कि गाइज आप जैसे ये वाली फंक्शनल है हमारी, इसमें से जेन्युइनली साउंड आ रही है, बट अगर आप वहाँ लगवाओगे वो सिर्फ लुक के लिए होगी, क्योंकि क्या होता है जो उस साइड अपनी जो लेफ्ट साइड है वहाँ पे गाइज जो इसका पेट्रोल या डीजल टैंक होता है वो अड़ जाता है। तो जैसे आप स्विफ्ट है या ब्रेजा है उसके अंदर आप डबल टिप भी लगवा सकते हो, अपने दोनों साइड लगवा सकते हो और वो बिल्कुल फंक्शनल होगा। तो गाइज वो डिपेंड करता है कार टू कार, अपने बलिनो के अंदर ये नहीं लग सकता था, तो ये भी चीज़ बतानी आपको बहुत ज़रूरी थी। कुछ लोगों के मन में होगा कि यार बलिनो में हम अपने दोनों साइड एग्जॉस्ट लगवा दें, जैसे आपने स्पोर्ट्स कार वगैरह में देखा होगा, तो बलिनो में ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट हाँ स्विफ्ट हो गई, आपकी ब्रेजा हो गई, होंडा सिटी हो गई, इन सब में बिल्कुल पॉसिबल है, आप लगवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो गाइज ये बात मैंने आपको बता दी है। तो अब मैं यहाँ पे बिल्कुल आपको जो मूविंग शॉट्स है, इसके रनिंग शॉट्स हैं, फ्लाइट शॉट्स हैं, वो दिखाने आ चुका हूँ। तो मैं आपको इसके बाद दिखाता हूँ आपको फ्लाइट शॉट्स और फिर करेंगे कुछ गुरजोत भाई से बात। आप लोगों ने गाड़ी में जो भी एग्जॉस्ट इंस्टॉल हुआ उसका पूरा प्रोसेस देख लिया, साउंड पूरी सुन ली है, तो भाई कमेंट करके जरूर बताना साउंड कैसी लगी, नहीं कैसी लगी। तो भाई गुरजोत बाजी ने हमारा पूरा सारा कुछ सिस्टम वगैरह इंस्टॉल करा है। तो भाई अगर किसी को पेट्रोल में भी मैं स्ट्रेट पाइप लगवाना हो तो वो लगवा सकता है? स्ट्रेट पाइप लगवा सकता है पर वो बहुत लाउड हो जाएगा, मतलब जिसको बहुत ज्यादा लाउड चाहिए तो वो स्ट्रेट पाइप ही है। वैसे हम तो सजेस्ट करते हैं कि पेट्रोल में आप एक मफलर जरूर ऐड करें ताकि स्मूथ साउंड हो, लाउड भी हो। तो गाइस आप मफलर इंस्टॉल करवा सकते हो, मफलर आप किसी ब्रांड का भी या कस्टम मेड भी हो, अगर अपने कस्टम मेड भी होता है आप तो वो भी इंस्टॉल करवा सकते हो, या ब्रांड वालों तो वो अपने पास मिल जाएगा। और वेलोटॉनिक भाई एग्जॉस्ट आप लोगों ने देख ही लिया, वेलोटॉनिक भाई ने आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में दिखा दिया था। डीजल गाड़ी के बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है, आप डीजल गाड़ी में उसे ना ही लगवाओ, क्योंकि साउंड आपके मतलब ये सोच लो सिर्फ 10% आएगी और वो आपको फील भी नहीं होगी। तो इट्स बेटर कि आप पेट्रोल में वेलोटॉनिक लगवा सकते हो। बाकी भाई अपने पास सारी गाड़ी के एग्जॉस्ट मिल जाते हैं, प्राइजेस सबके अलग अलग है, लेबर चार्जेस अलग अलग है, पाइप का जो डायमीटर है वो अलग अलग होता है सबका। तो अगर हम बेसिक एक पेट्रोल गाड़ी की बात करें एग्जॉस्ट की विद मफलर, बेसिक सा मफलर, उसकी के प्राइस मफलर की स्टार्टिंग प्राइस कर सकते हैं 5500 से स्टार्ट होता है। हमारे यहाँ स्टेनलेस स्टील के मफलर होते हैं, अंदर का जो फिल्टर है वो भी स्टेनलेस स्टील होगा। और जो पाइपिंग के लिए जाओ तो अलग अलग है सबके, जैसे अब आपकी बलिनो करती है तो उसका 4500 पाइपिंग करो बिल्कुल, और अगर कोई स्विफ्ट कराता है या स्विफ्ट डिजायर कराता है उसका 3500 होता है माइल्ड स्टील नट बोल्ट सिस्टम के साथ। तो गाइस ये भैया ने आपको सारा कुछ बता दिया, और भाई टिप अपने पास कितने से स्टार्टिंग है भी बता दो। टिप हमारे पास 1500-2000 से स्टार्ट हो जाती है, और इसके कहाँ तक लिमिट जाती है? लिमिट तो हाई एंड तक जाती है, 9-10,000 तक गोल्ड का जो ओरिजिनल टिप है बॉक्स के साथ मॉडल नंबर के साथ हम लोग देते हैं। तो भाई जैसा आपका बजट है उस हिसाब से आप अपना पूरा सारा सिस्टम लगवा सकते हो, जैसे जिसकी पॉकेट अलाउ करती है भाई उस हिसाब से लगवाओ। बेसिक मान के चलो आपका 6-7 हज़ार में आपका काम हो जाएगा, बेसिक काम हो जाएगा पेट्रोल में, साउंड अच्छी आ जाएगी। तो भाई ऑलमोस्ट सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दी है, बाकी अगर आपको भी लगवाना है तो भाई भाई का सारा कुछ डिटेल्स वगैरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। गुरजोत भाई अगर आपके पास आना है कैसे आना है बताओ। आप हमें इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आप मेरी आईडी पे gurjot1506 पे कॉन्टेक्ट कर लीजिए इंस्टाग्राम पे, बाकी नंबर्स वगैरह भैया सारा आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। 53 सिंधिया हाउस हमारी दुकान का एड्रेस है और सैलेंसर हाउस नाम। तो गाइज एक बात और बता दूंगा, बुकिंग करके आना क्योंकि जस्ट अभी लॉकडाउन खुली है, मुझे भी 2 दिन बाद की बुकिंग दी थी भाई ने, तो बुकिंग करके आना। मैं बुकिंग करके आया था, मैं पहले ही 18 तारीख को इंस्टॉल करवाने वाला था, बट बुकिंग के चक्कर में मुझे आज 19 को आना पड़ा और आज 19 को मैं इंस्टॉल करवा रहा हूँ, तो उस हिसाब से भैया को कॉल करके जरूर आना। ये तो गाइज एक दो बात और आप लोगों के दिमाग में आ रही होगी, एक दो क्वेश्चन और अराइज हो रहे होंगे, पहला कि भाई कि मेरे कितने पैसे लगे इसके अंदर। तो गाइज जो हमने स्ट्रेट पाइप करवाया इसकी कॉस्टिंग मुझे आई है 5500, और जो गाइज ऊपर जो टिप है वो आप कोई सी भी लगवा सकते हो, अपनी 1500 से टिप स्टार्टिंग है और काफी 10,000 तक जाती है, तो जैसे जिसका बजट है आप वो सब करवा सकते हो। तो देखा जाए तो आपको एग्जॉस्ट स्ट्रेट पाइप डीजल के अंदर 5500 के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा, और पेट्रोल के लिए भाई बता ही दिया था कि 6-7 हज़ार रुपये का बेसिक सा सिस्टम पेट्रोल के लिए भी आता है एक्सक्लूडिंग टिप, क्योंकि टिप भाई जैसा जिसका मन करे उस हिसाब से वो लगवा सकता है। बाकी भाई और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे जाके कॉन्टैक्ट कर लेना, इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इंस्टाग्राम पे जाके आपको जो भी क्वेश्चन है मुझसे पूछ लेना। और भाई जब भी जाओ आप अपॉइंटमेंट बुक करके जरूर जाना, क्योंकि हम अपॉइंटमेंट बुक करके ही गए थे, और अपॉइंटमेंट बुक करके जाओगे तो बेटर रहेगा। तो
हमें कमेंट करके बता देना कैसा लगा एग्जॉस्ट के साउंड, कैसे नहीं लगी अभी तक मुझे कोई बैक प्रेशर या बैक फायर कोई कुछ फील नहीं हुआ, बिल्कुल जैसे स्मूथ गाड़ी चल रही थी बिल्कुल वैसी चल रही है, कोई अभी तक कुछ नहीं आया। बाकी इनके से अगर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोगों के साथ जरूर मैं शेयर करूंगा, बट ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि जैसे हमने मफलर रिमूव करवा के स्ट्रेट पाइप करवाया। तो आज की वीडियो बस यही एंड कर रहे हैं, वीडियो अच्छी लगती है प्लीज लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।